Hi, good morning to all of you. Again, I'm Sanjay sir from Noble Public School. Welcome to my YouTube channel. मैं आज आप लोगों को एक चैप्टर पढ़ाने जा रहा हूँ जो 6, 7, 8 में कॉमन चैप्टर है, जिस चैप्टर का नाम है लाइट। आज मैं लाइट के बारे में पढ़ाऊंगा, उसके रिफ्लेक्शन के बारे में पढ़ाऊंगा। आज मैं इस चैप्टर में जो टॉपिक पढ़ाऊंगा वो लाइट एंड इट्स प्रॉपर्टीज, रिफ्लेक्शन और ट्रांसपेरेंट, ट्रांसलूसेंट एंड ओपेक ऑब्जेक्ट क्या है, इस सब के बारे में बताऊंगा। तो सबसे पहले हम लोग अभी लाइट के बारे में पढ़ेंगे कि ये लाइट क्या है। तो लाइट जो है, लाइट एक फॉर्म है एनर्जी का, एक एनर्जी का फॉर्म है जो हमें इस लाइट बनाता है कि हम किसी वस्तु को देख पाते हैं। कोई वस्तु डार्क में दिखाई नहीं देता है, इसका रीजन क्या है, क्योंकि वहां पे लाइट नहीं है। किसी भी वस्तु को देखने के लिए सबसे पहले जरूरी होती है लाइट की और आंखों की। तो लाइट जो है, लाइट इज ए फॉर्म ऑफ एनर्जी। वी आर एबल टू सी दिस ब्यूटिफुल वर्ल्ड अराउंड अस बिकॉज ऑफ लाइट। We detect light with our eyes. हम लोग लाइट को तो अपनी आंखों से नहीं देखते हैं, लेकिन उसके रिफ्लेक्शन को आंखों के थ्रू जरूर देखते हैं। जैसे अगर कोई ऑब्जेक्ट है, जैसे ये वॉल है, वॉल है, तो इस वॉल को हम लोग डार्क में नहीं देख पाएंगे, लेकिन जब इस पे एक लाइट रे ऑफ लाइट इंसिडेंट होती है, तो वो रिफ्लेक्शन के बाद वो हमारी आंखों पे पड़ती है, और जिस कारण हम इस पोर्शन को अपनी आंखों के द्वारा देख पाते हैं। तो लाइट जो है, हमें किसी वस्तु को देखने के लायक बनाता है। वी नीड अ सोर्स ऑफ लाइट टू मेक ऑब्जेक्ट विजिबल। किसी भी ऑब्जेक्ट को देखने के लिए लाइट का होना बहुत ही जरूरी है। लाइट अनेबल्स अस टू सी ऑब्जेक्ट्स फ्रॉम विच इट कम्स और फ्रॉम विच इट इज रिफ्लेक्टेड। लाइट के द्वारा हम किसी भी ऑब्जेक्ट को, उसी पोर्शन को देख पाते हैं जहां से लाइट रिफ्लेक्ट होती है। जैसे एग्जांपल, ये वॉल है, इस पॉइंट पे रे ऑफ लाइट इंसिडेंट हुई और यहां से रिफ्लेक्टेड, रिफ्लेक्शन के बाद यहां से रिफ्लेक्ट हो गई और यहां पे एक लाइट की किरण इंसिडेंट हुई, इसके बाद लाइट रिफ्लेक्ट हुई। तो हम जो है अपनी आंखों से इस वॉल के सिर्फ इस पोर्शन को देख पाते हैं, क्योंकि यहां से लाइट रिफ्लेक्ट हुई है, और इसके ऊपर का जो पोर्शन है वो या तो मुझे बहुत ही हल्का दिखाई देगा या फिर वो बहुत ही, मतलब बिल्कुल काला दिखाई देगा, जिस कारण से हम लोग लाइट के द्वारा किसी ऑब्जेक्ट को देख पाते हैं। अब हम लोग कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ लाइट के बारे में चर्चा करेंगे कि लाइट का जो विशेषता है वो विशेषता क्या है। तो लाइट का जो पहला विशेषता है वो है लाइट ट्रेवल्स इन स्ट्रेट लाइन। लाइन जो है हमेशा सीधी रेखा में गमन करती है। नाउ सेकंड पॉइंट, लाइट कंसिस्ट ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। अब ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक क्या है? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक का मतलब ये हुआ कि लाइट जो है, लाइट को ट्रेवल करने के लिए किसी मीडियम की आवश्यकता नहीं होती है, वो वैक्यूम में भी ट्रेवल कर सकती है। Light consists of electromagnetic waves which do not require a material medium, example solid, liquid, gas for their propagation. अब ना हम थर्ड पॉइंट पे चर्चा करेंगे। Light is composed of particle photons which travel at very high speed, 3×10⁸ meter per second in vacuum. अब ये जो photons हैं, ये photons क्या है? तो photons जो है, फोटोन्स एक एनर्जी है, ए स्मॉल पॉकेट ऑफ पैकेट ऑफ एनर्जी।
और इस एनर्जी के द्वारा ही लाइट जो है, लाइट बहुत ही काफी स्पीड से ट्रेवल करती है इन वैक्यूम में, जो स्पीड है 3 × 10⁸। याद रखिएगा, एग्जाम में क्वेश्चन बराबर आता है लाइट का जो स्पीड है वो वैक्यूम वैक्यूम में कितना होता है, तो लाइट का स्पीड वैक्यूम में 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड होता है। अब हम फोर्थ पॉइंट पे चर्चा करेंगे, लाइट जो है, लाइट हैज ड्यूअल नेचर। लाइट जो है, लाइट के पास दो प्रकार का नेचर होता है, फर्स्ट वेव एंड सेकेंड पार्टिकल। लाइट में लाइट वेव नेचर को भी रखता है एंड पार्टिकल नेचर को भी रखता है। लाइट जो है वेव से भी बना हुआ है एंड लाइट पार्टिकल से मिलकर बना हुआ है। जब लाइट ट्रेवल करती है तो उस समय ये वेव नेचर को शो करता है, लेकिन जब किसी बॉडी से रिफ्लेक्ट होती है तो वो पार्टिकल नेचर को शो करती है। तो यही कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ लाइट है। अब आगे हम लोग पढ़ते हैं ऑब्जेक्ट्स के बारे में, ऑब्जेक्ट क्या है। अब हम लोग ऑब्जेक्ट्स के बारे में चर्चा करेंगे। ऑब्जेक्ट जो है दो प्रकार का होता है, एक ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट्स और सेकंड नॉन ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट। ये ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट क्या है? ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट हम उस ऑब्जेक्ट को कहेंगे जो लाइट को एमिट करता हो, जिसके पास खुद का लाइट हो और लाइट को एमिट करता हो, उसे हम लोग ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट कहते हैं। जैसे एग्जांपल, सन, स्टार्स, फायरफ्लाइज, कैंडल, इलेक्ट्रिक बल्ब एटसेट्रा। ये जो सन, स्टार्स, फायरफ्लाइज है, ये सारा नेचुरल सोर्सेस ऑफ लाइट है, ये लाइट के नेचुरल सोर्स है। अब हम लोग नॉन ल्यूमिनस के बारे में पढ़ेंगे। नॉन ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट क्या है? नॉन ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट उस ऑब्जेक्ट को कहते हैं जिसके पास खुद का लाइट नहीं होता, वो लाइट को एमिट नहीं करता है, वो रिफ्लेक्ट के थ्रू दिखाई देता है। जैसे एग्जांपल, मून। मून जो है, मून रात को चमकती है, लेकिन क्या इसका खुद का लाइट है? नहीं, ये रिफ्लेक्शन के थ्रू चमकती है। मून जब चमकती है तो वो सन का जो लाइट है वो उस पर रिफ्लेक्ट करती है, तब जाके हमारी आंखों पे पड़ती है, जिस कारण हम लोग मून को देख पाते हैं, टेबल, बुक एटसेट्रा। तो आज हम लोगों ने पढ़ा लाइट के बारे में, लाइट क्या है एंड इट्स प्रॉपर्टीज, और लाइट का प्रॉपर्टीज। इसके बाद हम लोग पढ़े ऑब्जेक्ट के बारे में। अब हम लोग नेक्स्ट जब पढ़ेंगे उसमें पढ़ेंगे शैडो, ऑब्जेक्ट, ट्रांसपेरेंट ऑब्जेक्ट, ट्रांसलूसेंट ऑब्जेक्ट एंड ओपेक ऑब्जेक्ट। और नेक्स्ट क्लास में हम लोग इस चैप्टर को एंड करेंगे, फिर इसके बाद नेक्स्ट चैप्टर की ओर बढ़ेंगे। थैंक यू, दैट्स ऑल, थैंक यू।